कल लगभग 4 बजे खातीवाला टैंक के पास एक फैमिली अपनी गाड़ी से कहीं से बाहर से घूम फिर के अपने वापस घर पे आए, और आके जैसे ही वो अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से उतरे हैं, एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने, जो महिला थी, उनके गले से चैन को स्नैच किया, तोड़ा और भाग गया। इसको तत्काल हमने पूरे पॉइंट को हमारे कंट्रोल के माध्यम से फ्लैश करवाया, नाकेबंदी करवाई। और इसी बीच भवन कुआं के दो हमारे कांस्टेबल हैं, हर्षद कौशल और रविकांत शर्मा, इनको सूचना मिली कि एक जो महाराष्ट्र जाने वाली बस है, वहाँ बस स्टैंड पे कोई एक अज्ञात व्यक्ति, जो संदिग्ध टाइप का लग रहा है, वो एक मोबाइल बेचने की वहाँ पे बातें कर रहा है। तत्काल दोनों के दोनों कांस्टेबल वहाँ मौके पे पहुँचे, उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। चूंकि इसी बीच हमारा जो कंट्रोल रूम से पॉइंट चल गया था, जो हमारी जूनी इंदौर की टीम है, इन्होंने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया था, और उसके जो प्राथमिक फुटेज हैं, जिसमें मोटरसाइकिल और एक जो बैग उसने पिट्ठू बैग टांगा हुआ था वो, और एक शर्ट, उससे थोड़ा थोड़ा हुलिया क्लियर हो गया था। दोनों ही कांस्टेबल ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए जब उसका सामान को खंगाला, तो एक तो बैग सीसीटीवी फुटेज से मैच कर गया, जो घटना चैन को तोड़ने के टाइम पे, स्नैच करने के टाइम पे जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसके बैग में मिल गई, और जो मोटरसाइकिल है वो भी उन लोगों ने बरामद कर ली। तत्काल उन्होंने पूरे प्रकरण को समझते हुए उनको हिरासत में लिया। उनके पास से दो मोबाइल जब्त हुए। पूछताछ में पता चला कि ये एक आईफोन मोबाइल था, वो भी चैन स्नैचिंग से पहले उन्होंने एक महिला से ही छीना था, उसकी भी स्नैचिंग की थी। उनको भी फर्दर पूछताछ किया तो ये बात सामने आई कि जैसे ही हमारा कंट्रोल रूम से पॉइंट फ्लैश हुआ और हमारे जितने भी चेकिंग पॉइंट थे वो एक्टिव हुए, तो घबरा के उन्होंने एक चेकिंग पॉइंट के पास में उस चैन को फेंक दिया था ताकि कहीं पकड़े ना जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई, दो कांस्टेबलों की सूझबूझ से एक अपराधी, जो कि उसके 10-15 के आसपास उसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पहले भी ऐसी प्रॉपर्टी संबंधी घटनाएं वो कर चुका है, मेरे ऑफिस के यहाँ जो कोर्ट है वहां से वो बाउंड ओवर भी हो चुका है। तो बड़ी अच्छी कार्रवाई दोनों कांस्टेबलों और जो जूनी इंदौर की टीम है इन्होंने की है, और एक अच्छे अपराधी को उन्होंने पकड़ा है। इस पूरी घटनाक्रम में जब उसको मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा, तो बस स्टैंड के पास ही उसने भागने भूगने के चक्कर में उसको कुछ चोटें भी आई हैं, उसका प्राथमिक इलाज करवा दिया गया है, और उससे और भी पूछताछ की जा रही है। उसका हम पीआर भी लेंगे, और फिर जैसा भी होगा माननीय न्यायालय के सामने पेश करके, और अगर और भी कोई घटना की है तो उनका भी खुलासा करेंगे। इसमें लगभग ये जो टीम टीआई साहब जूनी इंदौर हैं और उनके जो जो टीम है, उन्होंने लगभग 200-250 सीसीटीवी कैमरे लगभग 3-3.5 घंटे में उन्होंने मल्टीपल टीम्स बना के खंगाल लिए थे। और इसमें सबसे अच्छी बात हुई कि जो हमारा अभी जो बीट सिस्टम हमने जो कल से एक आप लोगों के सामने प्रेस नोट भी जारी किया था, कि जो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हमने जो कांस्टेबल को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, उसी के तहत जो हमारे दोनों कांस्टेबल थे ये अपनी बीट में थे, और जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये विदिन 10 मिनट्स वहाँ पहुँच गए और वो आदमी पकड़ा गया। अदरवाइज वो महाराष्ट्र की बस ले रहा था और जलगांव में अपने ससुराल में जाके रह रहा था। लगभग 2 लाख रुपए का मसरूखा लूट के वो, हो सकता है कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता या फिर कहीं और जगह ऐसी वारदातें करता। तो बहुत अच्छी कार्रवाई ये भंवरपुआ के दोनों कांस्टेबल और जूनियर इंदौर की टीम के द्वारा ही की गई है। इनको सभी को मैं 5-5 हज़ार रुपये का, इसमें इनकी त्वरित कार्रवाई और उनकी एक्टिवनेस को देख के 5-5 हज़ार रुपये का नगद इनाम भी दोनों कांस्टेबलों को दे रहा हूँ।